बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टैटिस्टिक्स की क्लास में लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन पढ़ेंगे। ये फॉर क्लास आईसीएस के लिए, बीएससी, बीबीए वगैरह के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन की ये होती है कि जब कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन ली जाती है तो आंसर कांस्टेंट आता है। ठीक है, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट की लेंगे तो आंसर कांस्टेंट आएगा। इट मीन्स कि जब आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ टू होगा तो आंसर टू आएगा। कोई भी कांस्टेंट ले लें तो उसका आंसर कांस्टेंट आएगा। अब एक्सपेक्टेशन, अब कांस्टेंट और वेरिएबल जब गठे आ जाते हैं तो यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेशन एक्स के साथ आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड रूल ये होता है कि जब आप एक्सपेक्टेशन ए पर लेंगे तो इसका आंसर ए आ जाएगा प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई में आ गया, यहाँ पर प्लस था तो प्लस में आ गया। नंबर फोर्थ रूल ये है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ए प्लस बी एक्स, तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ए इसी तरह से आ गया फिर बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। इस तरह से ये लॉ के, ये लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन के फोर रूल्स होते हैं।